हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना, जो कि आपका एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 से रिलेटेड है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए पहले आपको एक्सिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें यह साइड पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस पे और ये निगेटिव। उसी तरीके से वाई पे यहाँ पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव। जितना भी डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं, ये इक्वी डिस्टेंस यानी बिल्कुल बराबर दूरी पर होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट जो हमेशा आप याद रखोगे कि एक्स अक्ष पर एट द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई अक्ष पर एट द वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू जीरो होती है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। सपोज करो ये पॉइंट है 1, 2, 3। अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे ये पॉइंट 3, तो ये हम लोग दिखा रहे हैं एक्स का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 0। इस एक्सिस में y नहीं है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 3, 0। मतलब x 3 है और y 0। क्यों y 0 है? क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो x अक्ष पर हमेशा y 0 और y अक्ष पर हमेशा x 0 होता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3। इसका आपको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो आप इसको कैसे, पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करके कम से कम दो सॉल्यूशन आपको लाना होता है। दो या तीन सॉल्यूशन लाने के बाद ही हम लाइन ड्रॉ कर पाते हैं। अब इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे ईजी मैथड है कि आप बारी बारी से दोनों वेरिएबल्स को ज़ीरो कंसिडर करेंगे। पहला फर्स्ट कंडीशन सपोज हम लोग लेते हैं कि x 0, ये हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जब x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे 0 रख के अब सॉल्व करके y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, मतलब y का वैल्यू 4। तो जब x 0 है तो y 4, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन मिल गया, x 0 y 4। इसका निर्देशांक आप कैसे लिखोगे, 0, 4। ये आपका एक सॉल्यूशन है। इसको आप अब ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो देखो ये 0, 4, x 0 y 4। तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो ये y अक्ष पे हम खोजेंगे 4। यहाँ पे y पे आप 4 खोजो, ये 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट आपका हो गया। इसको आप दिखा दो 1, 2, 3, 4। तो ये पॉइंट हम लोकेट करेंगे 0, 4। यहाँ पे x 0 और y 4 एक हमने सॉल्व किया। अब दूसरे केस में हम y को 0 मान लेते हैं, दूसरा कंडीशन जब y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0, फिर इसी इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4। तो दूसरा कंडीशन हमको मिलता है 4, 0। x का वैल्यू 4 है जब y 0। फिर हम इसे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस, अब यहाँ पे हमारा 4 हो गया ये पॉइंट, ये 4 हो गया। तो इसको हम डार्क डॉट बना देंगे और यहाँ पे शो कर देंगे वैल्यू कोऑर्डिनेट इसका 4 और 0। दो वैल्यूज़ हमारे पास है, दो सॉल्यूशन। एक है हमारा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, एक ये सॉल्यूशन है और एक ये सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को हमने ग्राफ पे दिखा दिया। अब आप स्केल के हेल्प से इसको मिला दीजिए। ये जो है ये आपका हो गया आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आपका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस लाइन के बगल में आप लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मतलब जो भी इक्वेशन है उसका आलेख खींचने के लिए उसको सॉल्व करो। एटलीस्ट टू सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। दो सॉल्यूशन निकलने के बाद उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग सही तरीके से होनी चाहिए, और उन दोनों को स्केल के हेल्प से मिला देंगे। तो ये जो लाइन है, ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है, आलेख है, ज्योमेट्रिकली आलेख। क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका आपको आलेख ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे आप, सपोज x इज इक्वल टू 0, आप अगर x 0 लेते हैं इसमें पुट करके और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स योर y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x 0 पे आपका y का वैल्यू माइनस 2 है, तो एक सॉल्यूशन जो है आपका 0 और माइनस 2 है। फिर इसको आप यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे। y का क्या वैल्यू है, निगेटिव, तो y का निगेटिव वैल्यू नीचे में रहता है, तो निगेटिव में माइनस 2 सिर्फ हम ढूंढेंगे, ये पॉइंट है हमारा माइनस 2। तो ये जो है ये है हमारा 0 माइनस 2, प्लॉटिंग हो गया। फिर नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 0, सपोज y इज इक्वल टू 0, फिर हम पुट करते हैं देन x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होता है वो होता है 2 एंड 0। जब y 0 तो x 2। अब इसको प्लॉट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, x पे पॉजिटिव 2
ये पॉइंट है, इसको हम शो कर देंगे 2 0। फिर ये दो पॉइंट को हम फिर स्केल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन हो गया इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू का आलेख। इज वाई इज इक्वल टू 3x, इसको जब सॉल्व करेंगे, सपोज लेट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 रखेंगे तो y भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0, तो एक सॉल्यूशन जो हमारा है 0 0। अब ये ग्राफ में कहाँ पे जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट से क्रॉस होगा, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब जब भी कोई अगर ओरिजिन पॉइंट से क्रॉस होगा तो सोचो उसका इक्वेशन या तो इस तरीके से बनेगा आलेख, या इस तरीके से बनेगा। तो हम हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर अज्यूम करेंगे। 0 0 ये हमारा एक हो गया। अब हम मानते हैं कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, y कितना हो गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो नया सॉल्यूशन हुआ 1 और 3। इसको प्लॉट करते हैं हम कि कहाँ जाता है, x 1 y 3, x 1 यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो अब इसमें डॉटेड लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करता है, ये y का 1 और x का 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 एंड 3। सिमिलरली हम मानते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, जब भी कोई ओरिजिन से क्रॉस करे हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर अज्यूम करें। x माइनस 1, इस केस में आपका y हो गया 3 इंटू माइनस 1, दैट विल बी माइनस 3, तो x माइनस 1 और y माइनस 3, ये हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे आएगा, नेगेटिव वैल्यू। x देखो माइनस 1 और y माइनस 3, फिर से वही स्केल के हेल्प से ये सारा काम करेंगे आप, ताकि प्रॉपर आपको पॉइंट्स मिले। ये देखो, ये हमारा पॉइंट हो गया माइनस 1 माइनस 3। अब ये जो तीन डॉट्स हैं मेरे पास, इनको हम लोग मिला लेंगे, ये हमारा हो जाएगा आलेख, y इज इक्वल टू 3x का आलेख, ये हो गया। इसको लंबा कर लेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। इसी तरीके से सारे आलेख हम रैखिक समीकरण के ड्रॉ करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस तरीके के क्वेश्चंस जब होते हैं लाइक बिंदु 3 4, ये निर्देशांक पहले से ही दिया हुआ है, ये इस इक्वेशन के आलेख पर स्थित है, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट जो आपका वैल्यू है ये x के लिए होता है, सेकंड हमेशा y के लिए होता है। इसी तरीके से हम निर्देशांक लिखते हैं x और y, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 लिख के आप इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। सपोज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो y के प्लेस पे हम 4 रखेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, सिंपली सॉल्व कर देंगे। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ये 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 3a इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 5/3। इसमें आपको दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है, और उसके बाद जितना भी वो चले पर किलोमीटर 5 रुपीज़ उसका रेंट है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया है x किलोमीटर। आप देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे, टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो x किलोमीटर है, और इसमें जो फर्स्ट है, जो पहला किलोमीटर है, उसका आपको 8 रुपया है। तो अगर हम इसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर है पहला वो हटा देते हैं, तो बाकी जो बचेगा सेस वो x माइनस 1 किलोमीटर ही दूरी बचेगी। पहले किलोमीटर का रेंट अलग है तो उसको आप निकाल दीजिए, माइनस कीजिए x माइनस 1, ये आपका सेस दूरी, इसका रेंट आपको 8 रुपीज़ और इसका 5 रुपीज़ है, और टोटल रेंट है आपको y। अब इक्वेशन हम बनाएंगे 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू y, ये हमारा इक्वेशन हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, सॉल्व कर देंगे, ये 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, y को इस साइड लाएंगे, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। हमें इस तरीके के दो ग्राफ्स बनाए हुए हैं और 3-4 इक्वेशंस लिखे हैं जिसमें से हमको सेटिस्फाई करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इक्वेशन है आपका, सपोज करो x इज इक्वल टू y, x प्लस y इज इक्वल टू 0, और ऐसे और भी इक्वेशंस होंगे, तो हम सिर्फ एक वेरिएबल का मान रख के इसको सेटिस्फाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे सपोज करो कि x इज इक्वल टू y पे अगर हम रखते हैं ये वाला फर्स्ट पार्ट, सिर्फ एक रखो x का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग x 1 तो y भी 1 होगा, जो कि y का वैल्यू माइनस 1 है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। अब इसको आप करोगे, आपका करेक्ट आंसर यही है। देखिए, जब आप 0 रखेंगे x 0, तो उस केस में आपका y भी 0 आएगा, तो ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। सिमिलरली 1 माइनस 1 यानी कि x 1 है, तो अगर यहाँ पे आप x 1 रख के सॉल्व करते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1, यानी कि x 1 होगा तो y माइनस 1, यानी कि ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है। इसको रखोगे, जब x माइनस 1 होगा वो राइट साइड जाएगा तो y 1 हो जाएगा, तो ये तीनों वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, कोई एक वेरिएबल x का वैल्यू या y का वैल्यू, कोई एक वेरिएबल इक्वेशन पे पुट करते जाना और सेटिस्फाई करना कि तीनों उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हम एक्सरसाइज 4.4 में सिर्फ दो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करें, उस चैनल पे जाएं और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेंगे एक चर और दो चर वाले समीकरण में। तो एक चर का मतलब है कि हम सिर्फ वाई इज इक्वल टू 3 को ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एक ही है, सिंगल वेरिएबल है। दो चर के रूप में इसका मतलब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है लेकिन एक्स और वाई दोनों के रूप में करना है। तो आप इसके लिए कर सकते हो 0, 3, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 3 है और एक्स का वैल्यू 0। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे हम दोनों वैल्यू दिखा रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया दो चर के लिए। तो सिंपली जैसे सपोज करो फर्स्ट एक चर में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करते थे संख्या रेखा, उसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये 1, 2, 3 इसको हम डार्क करके y इज इक्वल टू 3 दिखा देंगे। यहाँ पे निगेटिव दिखा दो, -1, -2, -3, -4। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एक चर के लिए। लेकिन जब दो चर में हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए हमें पूरा डायग्राम बनाना होगा, वो पूरा एक्सेस। ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब इसमें आप देखो इक्वेशन क्या है आपका 0, 3, आपका ये दो निर्देशांक है दो चर के लिए। तो 0 आपको x कहाँ मिलेगा, वाई वैल्यू पे। तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू हो गई ये 0, ये 1, 2, 3। तो इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन आप ड्रॉ कर दो और इसको आप रिप्रेजेंट कर दो 0, 3, और ये लाइन को आप दिखा दो y इज इक्वल टू 3। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रूप में। यहाँ पे x क्या हो गया 0, y हो गया 3। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका 9 इज इक्वल टू 0, उसको हमको सॉल्व करना है एक चर और दो चर वाले समीकरण में। तो देखो 2x + 9 इज इक्वल टू 0 को पहले आप सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 2x = -9 एंड x = -9/2, 4.5। तो अब इस -4.5 को नेगेटिव में -4.5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, वो एक चर के लिए हो जाएगा जहाँ पे हमको सिर्फ x की वैल्यू दिखानी थी। सपोज करो ये 0, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5। तो -4 और -5 के बीच में ये जो पॉइंट होगा ये होगा -4.5। तो इसको आप डॉट करके थोड़ा सा और यहाँ पे आप लिख दो 2x + 9 = 0। ये हो गया आपका इक्वेशन एक चर के रूप में। सिमिलरली जब आप इसको दोनों चरों में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही वैल्यू होगी आपका -4.5 और 0, यानी कि -9/2 और 0। एक्स का वैल्यू मेरा क्या है -4.5 और वाई का वैल्यू 0। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे पूरे डायग्राम में, वो हमारा हो जाएगा दो चरों वाले समीकरण के रूप में। जैसे सपोज करो आप ये बना रहे हो वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में निगेटिव वैल्यू -4.5 आपको चाहिए इधर, ये 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में ये हमारा हो जाएगा -4.5। अब यहाँ से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा -4.5 and 0। ये वैल्यू आपका हो गया -9/2, 0, और यू कैन राइट -4.5 और 0। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका दो चरों वाले समीकरण में। और ये नंबर लाइन पे बना के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल एक चर वाले समीकरण में।